बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारे के प्रिंसिपल होने की हैसियत से मैं अपने तलबा व तालबात को कुछ ज़रूरी कोरोना के हवाले से मालूमात देना चाहता हूँ। कोरोना एक वायरस है, वायरस होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रहता, यूँ उसको होस्ट और वो मुनासब माहौल मिलता है कि अलाइव हो जाता है, ये जिंदा हो जाता है और पैरासिटिक मोड इसका होता है कि अपने होस्ट को नुकसान पहुँचाता है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं जो गाहिर को आप सुनते हैं कि बुखार होना, खांसी होना, स्वेलिंग हो जाना, टेम्परेचर होना, सांस का खोलना, मुसलसल खांसी होना, इरीटेशन होना, इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी इलाज कोई नहीं है, इसका क्योर कोई नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसे करते यह है कि ये कोरोना आप तक पहुँच ना पाए। आपने बचना है, कैसे बचना है? अपने हाथों को आप बेहतर तो है कि आप सुखों पर रखें, कवर नहीं कर सकते तो आप फ्रिक्वेंटली हाथों को धोएं। किससे धोना आपने? इसको आप साबुन से धोएं, अच्छी तरह मल के धोएं। साबुन आप कोई 30 सेकंड तक हाथों को मुसलसल धोएं ताकि वायरस जो है उसका जो स्ट्रेन है, उसका जो DNA आ रहा है, जिस तरह उसकी कंपोजिशन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए, वो उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में ना रहे कि वो काज कर सके। दूसरी बात है कि उन हाथों को नाक तक, मुंह तक, गले तक, नाक नॉस्ट्रल के अंदर, मुंह के अंदर नहीं लेके जाना, अवॉइड करना है। इसलिए हम मास्क पहनते हैं। मास्क भी हम अगर यूज करें कोई 3-ply का मास्क हो ताकि एयर फिल्टर होकर अंदर जाए और वायरस बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। दूसरा, ऐसे लोगों से अवॉइड करें जिनको कोई ना कोई डिजीज है, जिसको खांसी है, जिसको बुखार है, जिसको टेम्परेचर है, जिसको कोई डिजीज है। ये प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब इंसान की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। वीक लोग या ओल्ड एज के लोग वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनको इस तरह की डिजीज ज़्यादा होती है। अब उनसे एक खास डिस्टेंस पे रहना है, सोशल डिस्टेंस पे रहना है, 3 से 6 फुट तक उनसे रहिएगा। और इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मिलना जुलना ना हो। जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक नहीं करना, बगल गिर नहीं होना, मिलना नहीं है। कोशिश करें कि इतने फासले पे रहें कि अगर कोई आदमी सांस लेता है उसकी ब्रीदिंग थ्रस्ट तक ना पहुँचे, एक्सहेल की हुई एयर वहाँ तक ना पहुँचे, इतने फासले पे हों। और इसमें ये कोई गुस्ताखी नहीं है, हमारे दीन ने हमें इस चीज़ का बताया हुआ है, हमारे मजहब बड़ा वाजे है कि अगर कोई वबा आती है, कोई बीमारी होती है, उसको तदबीर से, उसको हिकमत से टैकल करो, तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो।